विजेंद्र तो बापे हो गलो तो पूरी खुल रही जेल में जाना भाई। बीजेपी की टिकट है बबलू मिलन तो बबलू जीतता गो और विजेंद्र जी की हार हो निश्चित है। विजेंद्र जी जिंदाबाद और जिंदाबाद रहे गो। मेरा बुखार चढ़ गया गली में। राम राम दोस्तों, मेरो नाम अरविंद कुमार है, थे देख रहा हूँ न्यूज़ दोरारी। तो आज आप पहुँचे हाँ बुढ़ुंदा कला में एक सर्वे करने है कि कौन सी पार्टी का अठे माहौल है और कौन सो नेता है जी के विधानसभा में सरताज सिर पर सजग हो। जनता को के राय है, जनता है व अपनी राय बताओगी और माहौल बताओगी कि कौन सो नेता है जो बुढ़ुंदा कला में विजयी होकर निकलेगी। तो जनता से एक बार आप बात करने की कोशिश करा। तो कांग्रेस में कौन है? विजेंद्र रोड़ा। अच्छा, कोई दूसरो प्रतिद्वंदी को नहीं आ रहे हो के बना के सामने? बिका सामने कोई को नहीं, तुरताल करनी रेट बे जीतेंगा के। हाँ, मतलब के रीजन है बे जीतेंगा किस? मारी पंचायत हो तो जीत के लिखड़े गो, या मान ले तू और साला तो कम लिखड़ा करे बिका जीत के लिखड़े गो, या तो दो तीन खड़ा हो जा भाई। बीजेपी की तरफ तीन खड़ा हूँ। हाँ। वो एक लोर है वाफ ही जीत गया। तो कई वोटा को अंतर आवे हर बार जीते फटे यार बड़ो सौदो है। तो अंकल जी थे बताओ, मतलब कौन जीत के निकल सके हुई जैसे? बुढ़ुंदा में बीजेपी जीत के निकलेगी 100%। कौन है कैंडिडेट? बम्बू है वो तो। कौन है? तो एक बबलू चौधरी भी आ रहे हैं। हाँ, वो आओ टिकट पर टिकट जीत के निकलेगी। तो थे क्या बोल रहे हो कि बे जीत के निकलेगा? टिकट जीत के निकलेगी। क्या बोल रहे हो? कोई काम कराए हो करवाऊ कुछ भी? मेरा बुखार चढ़ गया गली में। तो आज सर्वे करता करता एक बार फिर से आप पूछ कहा बुढ़ुंदा खुर्द में और आठे की जनता की राय मानेगा और पूछेगा कि कौन सो जो नेता है बिको दबदबो सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले आप बात करा, आपनो नाम बता दो। सुनील नाम। तो मतलब कौन सो नेता है जिको दबदबो अड़े सबसे ज्यादा है? औरत तो दूसरे नेता की बात भी ब्रो। विजेंद्र रोड़ो, विजेंद्र जी वाला सामने कोई कैंडिडेट ही? तो पीछे एक ताऊ जी बोल रहा है कि अड़े तो दोनों जो बुढ़ुंदा ही बना मैं अपने जो बीजेपी का नेता है चाहे भी कोई नहीं टिकट दे दो बे जीत के निकलेगा। तो दो तीन बार दी ना टिकट पहले। फिर क्यों हो? क्यों देख ले तार सामने, पहले पहले 20,000 जीतो, दोबारा 40,000 जीतो, 15,000 जीतो, अब तो 60,000 जीते। 60,000 जीते, 60,000 के पार जाऊंगा कि 60,000 के पार जाऊंगा। तो मतलब कि बे प्रतिनिधि ही पे बहुत ज्यादा जोर शोर लगा रहे हैं। तो बे को के वो तो अगला को देखो कर्म है जो चुनाव लड़े भी को तो फर्ज बने है कि वे जनता के बीच में जा। विजेंद्र जी जिंदाबाद और जिंदाबाद रहे। यानी कि थारो बोलना यो है कि बुढ़ुंदा तो मान के चलो कि इजा कांग्रेस है, विजेंद्र जी बे ही निकलेगा? जिले भी कांग्रेस है, बुढ़ुंदा के कांग्रेस है। ओटी भाई गलो सरकार रिपीट होगी, काम देखो थे। तो गलो सरकार में तो आजकल नेता आपस में लड़ लड़ के जा रहे हैं। देखो हर परिवार में लड़ा, अपने परिवार में लड़े, घर के बीच में दीवार निकाली रखे, फिर भी ब्याह शादी में तो आवन। तो चुनाव मामला देखो थे, देखो 2,000 यूनिट बिजली फ्री, 25,00,000 को इलाज फ्री, ऐसी योजना कोई लाएगा आज तक? और क्या चाहे अपन शिक्षा परी कोई आए को आदमी हो गया आज पाड़ उसमें जी का मतलब फायदा हुआ है बस चिरंजीवी योजनाओं सारा फायदा लिए बैठे हैं। आरजीएसएस को तो ये ले रहे हैं, चिरंजीवी योजना ले रहे हैं, अनको बेटो अनको बेटो टीचर है, ये चिरंजीवी योजना ले रहे हैं। ऑपरेशन करवाए सारा फ्री में हुए थे। ऑपरेशन करवाए के हाथ को? हाथ को। अच्छा, के खर्च होगा? पहले तो 10,00,000 को, 15-20,00,000 को बैठे एक सामान्य ऑपरेशन है तो 20-25,000 ही हो। तो सामान्य ऑपरेशन अपेंडिक्स ऑपरेशन कर लिए। अच्छा, सारे फ्री जना और के लिए अगर फिर और के चाहे अपन? और मतलब अरे आजकल वो लाल डायरी वालों एक जिक्र चाल रहे हो बिक हालत हो रही है। फोटो देखो आज अखबार में पूरी जो कांग्रेस का नेता ही क्या खरीदे गए विधायक बनको पूरा चिट्ठी है। हमारो नेता तो हाथ पर जीत ही गए और नहीं कोई खरीद सको। तो जब तक विजेंद्र जी उधर रहेगा तो दूसरो कैंडिडेट आई कौन सकेगी? आओ मैं खुद मना करा, बीजेपी पार्टी को उम्मीदवार उतारेगी नहीं, जीत कौन सकेगी जहाँ को उम्मीदवार कांग्रेस को तो उम्मीदवार विजेंद्र को है ही क्यों नहीं? जो बड़े भैया बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, चुनाव इन्होंने कुछ नहीं बोला है। पूरा देश में लाए फिर भी कुछ होगी भाई? आप भी देखते हो जी, सब कुछ देखते हो, ग्रामीण क्या विकास हो रहा है? कुछ भी नहीं। जो बड़े भैया बोल रहे हैं सब बोल रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं घणो ही विकास हो रहा है, विजेंद्र जी जीतेंगे वीजा तो भाई निकलेंगे साहब, खेल लेके जाओ कहते नहीं। मैं तो क्यों नहीं जाऊँ, मार तो के बड़ा जो जनता है वह लेके जाओगी। और पूरा गांव में सीवरेज जा रही है। अच्छा, हर जगह और नदी का माइन पानी का माइन जा रही है। अच्छा, पानी की निकासी बहुत जोर की कर रहे हैं, बहुत शानदार। और पीने को पानी है? पीने को पानी, वाटर कूलर लाग रहे हैं हर जगह, सब कुछ व्यवस्था इतनी शानदार व्यवस्था है। एक गाँव को
कम से कम नाना विजनरी जी ओला उन्हें गे सात तो वो कुआ बनवा रहे हैं और अच्छा 14 कुआ ही 14 14 ही मेरा साथ ही है ते बुजुर्ग हो क्या ये स्कूल अलग है लड़का की बार भी अलग है काम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजगीर क्या मेरे गांव ने रोड जोड़ रखा सीवरेज लाइन है पानी की व्यवस्था सो क्या की मौज हो रही तो हाल फिलहाल में दौरा कौन करियो की जा दौरा क्यों कौन करता ही रहे आता है रे अभी सड़क को नदी भी दो सड़क का उद्घाटन करी है उद्घाटन करके गए काल परसों बड़ा बड़नम करियो हो पूरा दौरा शर्मा करियो हो आता ही रे सलामपुर में करियो अभी रोड को बगड़ सलामपुर को फिलहाल तो मतलब जे जनता की राय माना तो मतलब विजेंद्र जी हैं वे जीत के निकलेंगा झुंझुनू विधानसभा से तो जनता की राय माना आप बुढ़ूंदा खुर्द और बुढ़ूंदा कला में तो जो विजेंद्र जी हैं वे निकल 100% निकलेंगा या जनता बोल रही है क्योंकि 60,000 वोटा से जीतेंगा झुंझुनू से तो आगे की और के जनता की राय है बात थाने वीडियो में दिखाता रहेंगा वीडियो में देखता रहो और चैनल ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल ने सब्सक्राइब और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करियो। तो एक बार फिर से आप गाँव के चौपाल में पूछ चुके हैं और जनता की राय पूछेंगे कि कौन सो नेता को दबदबो अठे ज़्यादा है तो सबसे पहली है जो एक बूढ़ा ताऊ जी बैठे हैं अना को नाम पूछ लिया नाम बताओ थारो जगमाल तो था ए जा जो बुढ़ूंदा या है खुर्द खुर्द इनकी को दबदबो जाता है बबलू चौधरी को अच्छा कौन सी पार्टी में है भारतीय जनता पार्टी हूँ यानी ये बीजेपी में है के कारण है इनको दबदबो है मार क्षेत्र को नेता हड़े अच्छा थारू निजी स्थानीय आदमी है स्थानीय नहीं क्षेत्रीय नेता है क्षेत्रीय नेता तो पीछे में एक जगह सर्वे करके आया हाँ बीजा बता रहा है कि 60,000 वोटा हूँ विजेंद्र जी जीतेगा नहीं विजेंद्र जी तो लाखों बीज जाऊँगा जवाबदारी थोड़ी है क्षेत्रीय नेता वो हमारा क्षेत्र का जनता का हित का काम कर रहा है ये दोनों जो बुढ़ूंदा ही अणा में ही वर्चस्व है कि बना को कि और पूरे झुन्नो निकलेगा मिले तो बबलू चौधरी जीतेगा 40 गांव बबलू की है पूरी अच्छा बे बता रहा है कि विजेंद्र जी जितना ही है दूसरे नेता बीजेपी की टिकट है बबलू मिले तो बबलू जीतता को और विजेंद्र जी की हार होगी निश्चित है तो बे पीछा बोल रहा थे बोल रहा हो कि बन की आ रोगी बे तो बोल रहे हैं बेजा काम करा है चारू मेरे सीवरेज को काम करा दियो और जो 14 कुआ बता रहे हैं और इतनी टंकी बनाई पानी की अब आपके नेता ही सभी प्रशंसा करें बबलू चौधरी की अगर वाजपेयी टिकट मिला है तो वो जीत के जाओ लोग बता रहे हैं कि राजेंद्र जी भंबू है बे लेके जाऊंगा ना ना राजेंद्र भंबू जो गैल ने भी एजेंट कौन बैठे हो के काम करा दी हुई जावे 35,000 लिया बबलू 30,000 वोट लेगी वो पिछली बार बबलू जी निर्दलीय हो गए कोई पार्टी नहीं थी कोई और नहीं था फिर भी 30,000 वोट लेके गया था बबलू चौधरी 30,000 वोट लेगा अच्छा और अब का अगर बना टिकट मिल नहीं मिली तो नहीं मिले तो वो लड़ेंगे नहीं मतलब वो बे इंतजार करेंगे कि आगे अपन टिकट मिलेगी अब की बार अगर टिकट मिलती है तो वो चुनाव लड़ेंगे नहीं मिलेगी तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे की बार नहीं लड़ेंगे आगे की तो कौन करेगा और भाजपा को जिसके भी टिकट मिलेगी उसके साथ रहेगा बबलू अच्छा मतलब कि बाम्बू जी मिलेगी चाहे बम्बू लाओ चाहे बबलू लाओ चाहे वो क्या नाम गुड्डो लाओ उसके साथ है सब चाहे विनोद झाजड़िया जी लाओ कोई भी पार्टी के साथ पार्टी के साथ तो थाने मतलब यहाँ कह लाग रहे है कि जो कभी जीतेंगे और जो विजेंद्र जी है वे आ रहेगा अच्छा टिकट मिलते ही जीतेंगे अच्छा पार्टी का नाम पर जीतेंगे वे जमीन जमीन बेचती पूरी है बात सुननी है विजेंद्र जब आप हो गलो तो पूरी खुल रही जेल में जाऊंगा वे गलो तो और विजेंद्र बस अच्छा मैंने बात यह और है जब डायरे आप ही खुल रही जेल में जाए बोले चुनाव पहले पहले जेल में जाऊंगा चुनाव पहले पहले जेल में जाऊंगा अजी बबलू चौधरी ने 1400 वोट मिला अच्छा और विजेंद्र मात्र बढ़ूंदा खुद से 600 वोट मिला और 91 वोट मिला भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र बामू को अच्छा भाजपा की टिकट के वे दावेदार थे उनको 91 वोट मिले थे बढ़ूंदा खुद से उनका एजेंट भी नहीं था और बबलू चौधरी लीड करके गए 900 वोटों की निर्दलीय होके और अक्की बार टिकट मिलती है उनको तो वो जीतेगा बिल्कुल बिल्कुल जीतेगा पर बे जीत के मतलब के काम करने को वादो कर रहा है कि मैं इजा ये गांव में काम करवा देंगा नहीं नहीं मैं कोई वादो कौन करे उन्हों मैं उनकी इच्छा अच्छा बनना जो दिखा को कि काम की कमी है वे करवाऊंगा हाँ मैं कराऊंगा और कोई आश्वासन है वो आज भी करवा रहे है कोई पद पर नहीं है भाभियों के लिए कोई काम के लिए खा तो वो करवा हुआ है आवा भी है और जनता लोकप्रिय नेता नेता है
जनता के हित का मुद्दा उठाया है, जनता का लोकप्रिय नेता है, युवक नेता है, युवा नेता है, कोई काम के लिए बोलना ही नहीं पड़ता उसको, तो फोन ही करना पड़ता है फिर भी आता है। टोटल बूथ कितरो है जहाँ पूरे अपना वोट है 2000 वोट पोल है पिछली बार अच्छा भीम की जब मैं बिजेंद्र वाला का 600 वोट आया मात्र अच्छा और बबलू का 1400 वोट आया निर्दलीय। हाँ दोनों में एक खुर्द में है कि दोनों कला में नहीं नहीं ये खुर्द में ही अच्छा गांव में अंदर अंदर ही 1400 वोट लेकर मतलब है पंचायत तू जीत के गए चौधरी 900 वोट ले दे 1400 वोट ही कटया को ना बड़ुंदा पंचायत की 900 वोट ले दे बबलू चौधरी की। बुढ़ुंदा खुर्द की चौपाल पर आप राय निकाली जनता की तो भी सब पतो चालू है कि अठे जो है बबलू चौधरी जी को वर्चस्व ज्यादा है और वे जीत के निकलेंगे। अगर बबलू चौधरी जी ने टिकट मिल जाए तो वे पक्का जीतेंगे, अगर टिकट नहीं मिले तो भी वे जो कैंडिडेट बीजेपी से टिकट लेगो बड़ा के साथ में पूरा सपोर्ट वे रखेंगे।